किसने फेंके नीचे? जी किसने फेंके? हाँ उठाओ बॉल, किधर है आपकी बॉल? इधर से बॉल ले आओ, बॉल आओ, बॉल के साथ खेलें। ये बॉल है, इधर से आओ, बॉल ले के आओ, मम्मा पास ले आओ, बॉल खेलें, बॉल ले आओ ना, बॉल। ये 1 2 3 चलो फिर से 1 2 3 1 2 3 ओ बॉल तो किचन में चली गई। पकड़ो बॉल को, पकड़ो, ले आओ, आ जाओ बस, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग है कि अफ्तारी के बाद क्या हालात होते हैं। तो जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि अब्दुल हादी अकेला है, तो बाकी दोनों भाई इसके बाबा के साथ पानी लेने चले गए थे। तो बस यहाँ उनके जाने के बाद मैंने बस थोड़ा बहुत घर को सेट किया, टॉयज़ वगैरह बास्केट में डाले और जो चादरें वगैरह बिखरी हुई थी उनको सही किया। फिर बच्चों के स्कूल ओपन हो गए और साथ उनके यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस करना थे, तो मैंने कहा चलो इतनी देर में बच्चे गए हुए हैं तो ये काम भी कर लें साथ ही। तो बस मैंने यहाँ पे फिर बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस किए, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता कि कभी सुबह हो ना हो। प्रेस करने के बाद फिर चूँकि बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं और उनकी बुक्स वगैरह न्यू हैं, तो बस दोनों बच्चों की बुक्स पे नाम लिखने थे। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की बुक्स अलग थीं और दोनों पे नाम लिखे, क्योंकि बड़ा बेटा जो है माशाल्लाह से वो Montessori में चला गया और जो छोटा है वो अभी Montessori में है, उसका अभी एडमिशन कराया हमने। तो बस दोनों के नाम लिखे बुक्स पे और इनको बैग में डाला ताकि सुबह के लिए सब कुछ रेडी हो इनके लिए। क्लास में जाना और न्यू बुक्स और न्यू टीचर, ये बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग फेस होता है और स्पेशली न्यू बच्चे के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है कि घर को छोड़ के और पेरेंट्स को छोड़ के और डे स्पेंड करना टीचर्स के साथ। और मुख्तलिफ स्कूल्स का मुख्तलिफ तरह से होता है, लेकिन इनके स्कूल में हर बच्चे का अलग ही टाइमिंग है, मतलब कि ये छोटे बच्चे भी 8:30 से 12:30 बजे तक स्कूल में रहते हैं। तो रेयान के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उसने काफ़ी टाइम एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे हो गए थे काम ख़त्म और ये भी तंग कर रहा था, तो फिर इसको मैंने ये गाड़ी निकाल दी और ये इसके साथ खेलना शुरू हो गया।
बस ये यहाँ पे खेल रहा था और फिर हम एक्चुअली वेट कर रहे थे दोनों भैया की कि वो आएँ और फिर हम खाना बनाएं और इनको भी खाना खिलाऊं, फिर इनको दूध गर्म करके देना होता है, फिर वॉशरूम से इनको लेके जाना होता है। तो कम से कम मुझे 2-2.5-3 घंटे लग जाते हैं इन तीनों के साथ माशाल्लाह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है सारा ही। तो बस अभी हम वेट ही कर रहे थे कि इतनी देर में अम्मी के घर से चावल आ गए, तो फिर मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ा, तो इन्हीं चावलों के साथ ही बच्चों ने भी खाना खा लिया और मैंने भी खा लिया। तो ये था बस छोटा सा आज का व्लॉग, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कांडी लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, ये अफ्तारी के बाद के हालात कैसे हैं मेरे। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट।